सो गाइस, कोई अगर पोको एक्स थ्री प्रो को परचेस करना चाहते हो या फिर गाइस आप लोगों के पास अगर पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस है, सो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो गाइस मैंने 5-6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ पोको एक्स थ्री प्रो के ऊपर, फिर भी यार लोगों का कंफ्यूजन नहीं जाता। सो आज का डेफिनेटली वीडियो, ये वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप लोग एकदम 100% डिसाइड कर पाओगे कि फ़ोन को आपको परचेस करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और पोको एक्स थ्री प्रो से लेकर फोर से लेकर मैंने यूज़ करना था जब से शुरू किया, उसे लेकर मेरा ख़राब होने तक सब कुछ जार नहीं बताऊंगा। और गैस क्यों फ़ोन डेड हो रहा है, तो गैस कुछ लोग यार बोल रहे हैं कि इस वजह से डेड हो रहा है, तो ये सब मत करो डेड नहीं होगा, तो वो भी कितना सही। फिर नहीं आपका फ़ोन डेड होगा तो हो ही जाएगी, फिर आप लोग अगर कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से डेड ना हो, सब कुछ बताएंगे वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आप देख रहे हो एलेक्स गेमिंग यूट्यूब चैनल, और चैनल में अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज विदाउट वॉचिंग एनी फॉर द टाइम लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में पोको एक्स थ्री प्रो है गाइज, जिसको मैंने यूज़ कर रहा था मतलब लगभग यार बहुत दिन पहले से, मतलब 1 साल हो चुका है मैंने परचेस किया था। और कैसे बताएं, बताने वाले यार क्या कुछ हुआ था मेरे साथ, और मैंने फेस यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि इस बाद में फेस रिवील कर सकते हैं, तो लगाइज अभी दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं। सो मतलब बात करते क्या हुआ था, सबसे पहले फ़ोन को परचेस किया था मैंने, फ़ोन जब लॉन्च हुआ था उस डेट के 2 दिन बाद। उसके बाद गाइज फ़ोन बहुत सही चल रहा था पहले कुछ मंथ, और उसके बाद मैं मतलब एक दिन फ़ोन को ऐसे यूज़ कर रहा था सिंपली, ठीक है, कुछ हैवी टच नहीं कर रहा था क्योंकि इस फ़ोन लोग बोल रहे कि फ़ोन गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, उसके वजह से फ़ोन डेड हो रहा है। सो पंखे के नीचे बैठ के, फ़ैन के नीचे बैठ के मैं यूज़ कर रहा था फ़ोन को, और उतना ज़्यादा हैवी टच भी नहीं कर रहा था, बस स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक इंस्टाग्राम। सो इस बार भी यार मेरा फ़ोन हो गया एकदम से बंद। मैंने सोचा था क्या होता, तभी वही रेट का प्रॉब्लम होता था, नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च किया फ़ोन बंद होने पर कैसे खोले, मैंने यूज़ भी करके देखा था, मैंने मतलब वो सब अप्लाई करके भी देखा था कि फ़ोन का जो पावर बटन होता है उसके साथ गाइस वॉल्यूम जो डाउन बटन होता है उसको मैंने प्रेस करके देखा था, फ़ोन नहीं ओपन हो रहा था। एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, उसके बाद मैं घर आया, मैं घर पे नहीं था, मैं थोड़ा बाहर गया था मेरा मामा के घर पे। उधर आने के बाद, घर पे आने के बाद मेरे को उधर से दिखा कि दुकान पे मैंने लेकर गया फ़ोन को, तो जो बोला कि यार फ़ोन यहाँ पे ठीक नहीं होगा, फ़ोन को खोल के भी नहीं देखा, बोला कि हाँ ये वारंटी अंदर है, इधर मत दो, जाओ अब जाके क्यार जाके ठीक कर सकते हो। सो मैंने क्यार पे लेके गया फ़ोन को, और क्यार पे लेने के बाद गाइस बोला कि फ़ोन का मदरबोर्ड डेड हो गया। सो यहाँ पे गाइस, और सर्विस तो इतना ज़्यादा बेकार है यार, क्या बताओ, उसके बाद तो बाद में करते। उसके बाद बोला कि यार सही नहीं होगा, 7 दिन बाद आके लेके जाओ। उसके बाद फिर से गया, 7 दिन बाद मेरे को फ़ोन आया, फिर से यार 1 दिन बाद फ़ोन फिर से ख़राब हो गया। उसके बाद बोला कि वॉल्यूम जो बटन होता है उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद सोचा हाँ सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैंने 2 दिन बाद आया, फ़ोन को लेके गया, उसके बाद फ़ोन सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था, 2-3 महीने चला फिर से। उसके बाद फिर मैंने एक दिन गेम खेलने के बाद फ़ोन को पॉकेट में रख दिया, जेब में अपना फ़ोन मतलब अपना पॉकेट पैंट का। तो उसके बाद यार देखा कुछ देर बाद यार फ़ोन ऐसे ही मतलब मैंने निकाला पॉकेट से, उसके बाद देखा फ़ोन डेड हो गया, ख़त्म हो गया फ़ोन, मतलब चल नहीं रहा है। उसके बाद मेरा तो पहले एक बार हुआ था, मैंने सोचा था हाँ फिर से यार बंद हो गया होगा, मैंने दुकान पे लेके गया, बोला या अभी भी वारंटी पर है, 14 दिन का वारंटी पे था। तो इस मैंने देखा कि दुकान में लेके गया, उसके बाद लोगों ने बोला मतलब दुकान के जो फ़ोन का मैकेनिक होता है उन्होंने बोला कि हाँ केयर में लेके जाओ, मैं फिर से केयर में लेके गया, बोला कि 14 दिन लगेगा, और 14 दिन मतलब बोला कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला 14 दिन लगेगा, मैं गलती से बोल दिया। सो कुछ उन लोगों ने बोला कि फ़ोन को सही होने में कुछ दिन लगेगा, मैं आप लोगों को फ़ोन करके बता दूंगा आपको कि कब आप लेके जा सकते हो फ़ोन को। तो उसके पहले मैं इंतज़ार किया, क्योंकि फ़ोन को जाके 14 दिन बाद, ठीक है, मैंने उसके पहले फ़ोन को एक बंदे को बेच दिया था, उसके पास से लेकर मैंने फिर रिपेयर करने को दिया था। सो गाइस उसके बाद गाइस कंपनी इतना ज़्यादा चालाक है कि गाइस फ़ोन को पूरा वारंटी 14 दिन जब हो गए उसके बाद बोला कि फ़ोन को लेके जाओ। उसके बाद मैं गया फ़ोन को लेके आया, उसके बाद फिर ख़राब हो गया, मतलब उस उधर बैठ के ही फ़ोन ख़राब हो गया। तो मैंने बोला कि फ़ोन को आपको रिप्लेस करके देना होगा, बोला कि वारंटी ख़त्म, रिप्लेस नहीं हो सकता। मैंने बोला कि गाइस हाँ तुम मतलब तभी यार चल रहा था कि फ़ोन अगर दुकान के बिल में आप लेते हो तो यार रिप्लेस कर देगा। वैसे तो कंपनी ने बोल दिया था कि अगर ये ऑनलाइन डिवाइस ऑनलाइन का बिल अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। सो वैसे पे करने के बाद फ़ोन को मैंने उधर दे दिया, फ़ोन को रिप्लेस करके हम लोगों को रेडमी नोट 10 प्रो उधर दिया गया, वो भी यार रेन्यूड है, न्यू फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन में क्या मतलब खमियाँ हैं मुझे पता नहीं है वो सब, लेकिन गाइस रीन्यूड फ़ोन दिया था मुझे। तो उसके बाद फ़ोन को लाके मैंने उस बंदे को दे दिया जिसको मैंने फ़ोन बेचा था, तो उसके बाद मेरे को 13,000 फ़ोन में मिल गया था, मतलब वो बंदे ने मेरे को दिया था। तो गाइस मेरे साथ जो हुआ कि मेरे को पैसा मिल गया, उसके पहले अगर डेड हो जाता तो मेरे को कैसे पैसा मिलता। सो गाइस अभी के लिए फ़ोन तो मेरा स्टोरी तो आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद से मैंने 13,000 से लेकर कुछ जोड़कर 5-6 हज़ार मैं रियलमी X7 मैक्स को ले लिया था, पर वो भी 1 हैंड। सो गाइस
वो आप लोगों को पड़ा था 22,000 को, और मैंने ले लिया था कुछ दिन पुराना रिन्यूड फ़ोन था, दो तीन मैंने यूज़ किया था, दो महीने यूज़ किया था फ़ोन को, तो 27,000 का फ़ोन था, 22,000 मैंने ले लिया था, तो अभी ऑफर वगैरह नहीं था फ़ोन का, नहीं तो ऑफर में आ गया था रियलमी एक्स 7 मैक्स 22,000 में। सो ये जब मैं बात करते हैं फ़ोन, मतलब मेरे साथ जो जो हुआ यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ना हो, फिर भी कैसे आप अगर फ़ोन को परचेस करना चाहते हो, फ़ोन को बाई करना चाहते हो, तो आप लोग बाई कर सकते हो, मेरे को क्या दिक्कत है यार बोल के फ़ोन का। मैं क्या यार मतलब एनी वगैरह हो गया कि फ़ोन को मतलब मेरे को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ोन को गंदा बता के ख़राब बता के कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने खुद यूज़ किया, खुद एक्सपीरियंस किया, आप लोग जाके बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो देखते हो, देखो जाके यार सभी बता रहे हैं पोको X3 प्रो में दिक्कत है, बस आप लोगों को प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है इसके लिए फ़ोन को परचेस करना है। मतलब मैंने ऑप्शन आप लोगों को दे दिया पिछले वीडियो में भी, कि जो हम लोग को रियलमी 9SE वगैरह IQOO Z5 देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 778 के साथ, उसका भी N22 बेंचमार्क 778G जो है गेमिंग के बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, उसके साथ ये फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आता डे टू डे लाइफ यूज़ में। फ़ोन में आप लोग गेम खेलते हो तो भी गाइस कोई दिक्कत नहीं आता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो तो वो फ़ोन को आप लोग परचेस कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक गेमिंग फ़ोन है वो भी 20,000 के अंदर, तो स्नैपड्रैगन 860 जो प्रोसेसर है कुछ दिन ओल्ड पुराना प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज है, और इसके N22 स्कोर भी स्नैपड्रैगन जो 860 है उसका सेम ही है, 5,50,000 जैसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 5-6,000 कम है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। और गाइस प्रोसेसर भी न्यू है, और GPU के मामले में उतना ज़्यादा नहीं है, 1-2,000 का अंतर है, फिर गाइस GPU भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, माली नहीं यार Adreno 642L का GPU आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो वो सब फ़ोन को भी आप लोग परचेस कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से मैंने जो वीडियो वगैरह बनाया था फ़ोन के बारे में, जो फ़ोन आप लोग 20,000 के अंदर फ़ोन को परचेस कर सकते हो उसके बारे में, सो गाइस आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हो। मेरा स्टोरी बात करते हैं फ़ोन को आप लोग अगर परचेस करना चाहते हो कौन सा रीज़न, मैंने आप लोग को ऑल्टरनेटिव फ़ोन बता दिया ना फ़ोन को परचेस आप लोगों को क्यों करना है। सो बहुत सारे मेरे भाई कमेंट पर किया, मेरा पोको X3 प्रो का वीडियो का आप लोग कमेंट पर जाके देख सकते हो, बहुत सारे भाई ने कमेंट किया कि हाँ तू झूठ बता रहा है, स्कैम आ रहे, पोको X3 प्रो बहुत अच्छा चल रहा है, तो गाइस यहाँ पे हेट वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहा है फोन वीडियो में, 100 से ज़्यादा डिसलाइक भी आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे गाइस आप लोग क्या दिक्कत है आप लोगों को यार, फ़ोन का मैं प्रूफ वगैरह दे रहा हूँ, फिर भी यार आप लोगों को फ़ोन परचेस करना अगर है तो यार परचेस कर लो आप जाके, फिर गाइस फिर आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि गाइस कुछ भी चीज़ यार हम अगर खुद रियलाइज़ नहीं करते तो दूसरों के साथ क्या कुछ होता है खुद भी यार पता नहीं चलते। और गाइस ये पे बहुत सारे एक बंदे का नहीं, मेरा बस मेरा हुआ फ़ोन डेड ऐसा नहीं, बहुत सारे बंदे का डेड हो चुका है फ़ोन। सो फिर भी गाइस अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो फ़ोन के साथ, आप अगर सेटिस्फाई हो उनको परचेस करके यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, मेरे को घंटा कोई दिक्कत नहीं यार, परचेस आप लोग कर सकते हो। तो मैंने यार आप लोग को ऑल्टरनेटिव फ़ोन बता दिया, आप लोग अगर वो भी परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो, सिर्फ हम लोग को एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी पैसा वगैरह नहीं मिलता यार, सब्सक्राइब इतना कम है क्या भी कुछ मिलेगा यार, तो मैं चाहता हूँ यार सपोर्ट करो आप लोग, इतना ही चाहता हूँ, थोड़ा सा यार गेन करना चाहते हो यूट्यूब पर, तो यार सपोर्ट करो, मोटिवेशन मिलता है, सच चीज़ बताता हूँ। हर बार यार जो बिग कॉन्टेंट क्रिएटर वगैरह होता है, बड़े बड़े जिनका मिलियन में सब्सक्राइब है, उन लोगों को बस फॉलो मत करो, छोटे क्रिएटर भी जो होता है वो लोग यार आप लोग उन लोगों का भी यार वीडियो को थोड़ा सा यार सपोर्ट कर सकते हो, हम लोग जैसे हम लोग का वीडियो को सर बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। सर ये पे हम लोग को जो हम लोग ने बताया वीडियो के अंदर सर बिल्कुल सच है, उसके बाद आप लोग को मानना है सच बताएं फिर झूठ बताएं। उसके बाद बात करते यार अभी थोड़ा सा बात करते फ़ोन का, जो हम लोगों को कस्टमर सर्विस सेंटर में सर्विस हम लोग को देखने को मिलता है वो भी इतना ज़्यादा घटिया यार, क्या बताओ आप लोग को, आप लोगों से चीटिंग भी हो सकता है, फ़ोन आप लोग का डेड हो जाएगा। मतलब एक मदर फोन आप लोगों को 7,000 रुपये में मिलता है, 6,000 रुपये एक्सचेंज करने में मिलता है चेंज करने में। सो गाइज यार अगर आप लोग का फ़ोन को बार बार 6,000 से रिप्लेस कर दे सर कंपनी का क्या फ़ायदा, इसीलिए गाइज आपका अगर वारंटी ख़त्म हो जाता है 2-3 दिन पहले तो किस फ़ोन को सही करके वारंटी के बाद देगा, उसके बाद ख़राब हो जाए जो भी हो जाए आपका सर, इस ऐसा ना करके आप एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आप फ़ोन को बेच सकते हो या फिर गाइज आप लोग फ़ोन को रिप्लेस कर सकते हो अदर कोई फ़ोन के साथ। रिप्लेस करना मैं नहीं बोलता, गाइज वो फ़ोन में भी दिक्कत आ सकता है, रिप्लेस किया जो फ़ोन है उसमें भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए तो गाइज फ़ोन को मतलब रख दिया ना कंपनी ने, उसका भी गाइज आप लोग को वारंटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सर आपका फ़ोन में अगर वारंटी था तो गाइज वो इतना दिन का वारंटी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, अगर
10 दिन का वारंटी था, जो फोन आप लोग रिप्लेस करके दिए उधर भी आप लोग को 10 दिन का वारंटी देखने को मिलेगा, वारंटी अगर नहीं था तो नहीं देखने को मिलेगा। सर वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बार जरूर बताना, जो जो मैंने बताया यार आप लोग अगर सही लगा तो भाई एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर गलत लगा तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हो। और आपने अगर पोको एक्स 3 प्रो अभी तक यूज़ कर रहा हो सही चल रहा है तो गाइस कमेंट पर जरूर बताना, और आपके साथ अगर कोई दिक्कत भी आता है तो यार आप लोग वो भी जरूर बताना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा बंदे का जो जो अभी तक पोको एक्स 3 प्रो यूज़ कर रहा है और गाइस गलत फहमी में है कि गाइस फोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है फोन में, और गाइस किसी के पास अगर अच्छे से चल रहा है फोन तो गाइस वो बता सकते हो यार चला सकते हो, और किसी का मन पे अगर डाउट होता है कि फोन चलाने नहीं चलेगा नहीं टिकेगा क्योंकि ज़्यादातर फोन खराब हो चुका है, सो वो लोग यार फोन को अपना बेच भी सकते हो। सर चलो आज का वीडियो कैसे खत्म करते हैं, मिलते भी ज़्यादा कोई बड़ी सा वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, सो गाइस चलो टाटा बाय बाय।